दिल्ली जनरल पैरासाइटोसिस के बारे में आपसे मैं आज बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा विषमी तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी सारे लोग मेरे पास में आते हैं, उनको लाया जाता है कि वो लोग ऐसा बोलते हैं कि उनको उनको चमड़ी के नीचे कीड़े चल रहे हैं, ऐसा आभास होता है उनको। वो लगता है कि वो सच है, आभास नहीं होता, वो सच है। उनको ऐसा लगता है कि एक तो वो कीड़े चल रहे हैं, मतलब उनको ऐसा एक्सपीरियंशियल होता है, वो ऐसा सेंसेशन होता है कि वो कीड़े चल रहे हैं, या उनको कीड़ों की आवाज़ आती है कि ऐसा कुछ भी किरकिर किरकिर आते रहती है, उनको कीड़े दिखते हैं। कुछ लोग बोलते चमड़ी के नीचे कीड़े चलते हैं, वो कभी बाहर भी आते हैं और वो ऐसा बताते, देखो देखो ये ऐसे कीड़े हैं, भाई हाथ को लगाए बताओ भी क्या है, तो फिर कुछ तो भी वो पदार्थ होगा जो चमड़ी के ऊपर कभी पसीने से तैयार हो जाता है, या फिर बाल होंगे उसके खुद के, ऐसा कुछ तो भी रहता है कि उसको बोलता है कि देखो ये मरा हुआ कीड़े का पार्ट है। उसको लगता है कि नहीं, ये लोग मतलब ऐसा कीड़े पकड़ के लाते कि देखो ये कीड़े का ही पार्ट है और हमने पकड़ के लाए कीड़े। उसको ऐसा आभास हो जाता है कि नहीं वो चल ही रहे, वो पक्का उसके ऊपर विश्वास है। उसको एकेरोफोबिया करके भी नाम दिया हुआ है, एकेरोफोबिया। इसमें लोग सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं, खुद की ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब बार बार हाथ धोना, तो लोगों को लगता है फिर ये ओसीडी का पार्ट है क्या, चेकिंग करना, क्लीनिंग करना, ऐसा खुद करते हैं और चमड़ी के डॉक्टरों को बताते हैं कि भाई देखो चमड़ी में कुछ तो भी प्रॉब्लम है, साइकेट्रिक की बीमारी है, मतलब साइकेट्रिस्ट की तरफ इनको लेके जाना चाहिए, साइकेट्रिक की बीमारी है और इनको मतलब मानसिक बीमारी है, और इनको डॉक्टर जो है वो परफेक्ट डॉक्टर साइकेट्रिस्ट है। इनको ये देखना हमको पड़ेगा कि इनको डेल्यूजनल पैरासाइटोसिस है, मतलब फिक्स डेल्यूजन है ये, या फिर उसको एम्फेटामिन, कोकेन या शराब इसकी वजह से भी हो सकता है ऐसा, तो उसने वो लिया है क्या कुछ, क्योंकि उसकी वजह से भी हो जाता है, और वो यदि कुछ लिया नहीं है तो फिर ये सिंगल सोमेटाइजेशन, एक सोमेटिक डेल्यूजन, ऐसा एक फिक्स डेल्यूजन है, डेल्यूजनल पैरासाइटोसिस बोलते हैं ये है। इसमें ट्रीटमेंट में पीमोसाइड नाम का जो ड्रग है वो बहुत इफेक्टिव है, एंटीसाइकोटिक। बाकी भी ड्रग्स जो है वो काम में आते हैं, मगर पीमोसाइड बहुत ही अच्छा काम करता है और इसमें लोगों को फ़ायदा मिलता है। एक 4-8 दिन में लोग बोलते हैं कि अभी हमको ऐसा लग रहा है कि अभी वो कीड़े बीड़े नहीं है, सब मर गए और अभी हमको ऐसा आभास होता नहीं है, अभी कीड़े चलना बंद हो गया, ऐसा लोग बोलते हैं। तो ये पीमोसाइड के साथ साथ फिर हेलोप्रोडॉल, ट्राइफ्लुपेराजिन, बाकी भी दवाइयाँ हैं कि जो हम उसके साथ देते हैं। हमको कभी ऐसा लगा कि नहीं, इसके साथ साथ रिपीटेड हैंड वॉशिंग जो है वो उसका कन्वर्शन ओसीडी में हो रहा है, तो उसको एंटी ओसीडी मतलब एंटी ऑब्सेसिव जो दवाई है वो भी उसके साथ साथ देते हैं, ताकि वो जो बार बार उसको विचार आते रहते कि अभी है तो वो भी निकल जाएगा, क्योंकि इसमें कभी कभी मिक्स पिक्चर दिखता है, डेल्यूजनल पैरासाइटोसिस और ओसीडी, ये कभी कभी मिक्स दिखाई देता है, तो दोनों का भी इलाज करना पड़ता है। इसको शुरुआत में अपोज हमने किया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कीड़े चल नहीं रहे, तो वो डॉक्टर की तरफ आता भी नहीं पेशेंट और डॉक्टर के ऊपर विश्वास भी नहीं करता। इसलिए शुरू में हमको बोलना होता, ठीक है भैया तुमको ऐसा लगता है कि कीड़े चल रहे हैं, ठीक है हम मंजूर मानते हैं हम, तो उसको पेशेंट को अपोज नहीं करना, उसका विरोध नहीं करना, उसको एक्सेप्ट कर लेना और उसको बोलना ठीक है वो कीड़े मार देंगे हम, उसके लिए हम दवाई देते हैं, और दवाई दिया तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है और वो ठीक हो जाता है। तो यह है डेल्यूजनल पैरासाइटोसिस। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हमारे नीचे नंबर दिए उसमें ऑनलाइन काउंसलिंग भी आप कर सकते हैं, मैरिज काउंसलिंग करते हैं, सेक्स काउंसलिंग करते हैं, फोबिया और बाकी जो अलग अलग न्यूरोटिक बीमारियां उसके लिए काउंसलिंग करते हैं, और आप यहाँ आके भी इलाज कर सकते हैं। यहाँ हमारे दो हॉस्पिटल है, एक में रिलेटिव के साथ में, दूसरे में रिलेटिव के अलावा भर्ती करके उनका इलाज करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको फैलाओ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये बीमारी होती रहती है और लोग घूमते रहते हैं, उनका इलाज बराबर होता नहीं है, तो वो अपने साइकेट्रिस्ट की तरफ जाएंगे, उसका इलाज कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।